बस बहुत हो गया, मैंने वेलकम बैक नहीं कहना, जब से शो कर रही हूँ तब से कह रही हूँ। यहाँ जी रूबी जी बैठी हैं, वेलकम बैक आप कह दीजिए प्लीज़। आज आप इसको अपना घर समझिए, आप कहिए इस कैमरे पे, आप कह दीजिए वेलकम बैक, आने का शुक्रिया, और मेरा प्रोग्राम होस्ट कीजिए। और हमज़ा से पूछिए ज़रा कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स पड़ती हैं, ज़रा हमारे सामने भी तो खुल के बात करें अपने कारोबार की, क्या लॉसेज हो रहे हैं उसको। वेलकम बैक। हाँ जी हमजा, हाँ जी हमजा, हाँ जी हमजा से काम नहीं चल रहा। हाँ जी हमजा, बात तो पूरी पूछे, बोलो जरा ये क्या। हाँ जी हमजा, हाँ जी हमजा, बोलो जरा। ये तो वो बात हो गई जब तैमूर के बारे में कुछ पूछना होता ना मेरे से। हाँ जी बताओ जरा मुझे। उधर पता चल जाता है कि हमजा के बारे में, हमजा से पूछा जा रहा है तैमूर के बारे में। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं बिकॉज यू नो हम लोगों की फैक्ट्रीज जो हैं, क्योंकि हम लोग तो मैन्युफैक्चर करते हैं फर्नीचर वगैरह, तो वहाँ पे लिटरली 14 घंटे इन अ गो बिजली नहीं आती। हम लोगों को जनरेटर इंस्टॉल करने पड़ते हैं फिर अपनी फैक्ट्रीज़ में। जब आप जनरेटर भी इंस्टॉल करते हो, जब आप वो एक डीजल का अलहदा आपका ख़र्चा होता है, उसके बाद साथ साथ आपके शोरूम्स में हर घंटे बाद बिजली जा रही है। आपके जनरेटर्स भी जो हैं वो कितनी देर तक चलते रहेंगे, वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाते हैं। अभी सर लास्ट वीक हमारा पूरा ट्रांसफार्मर ही उड़ गया था, एंड वो 2 लाख रुपए का खर्चा वो हमें करना पड़ा था कि गवर्नमेंट का जी आपका अब आपकी जिम्मेदारी है। आप वो लहदा दे रहे हो, आप जनरेटर नहीं, तो ये ट्रांसफार्मर कैसे उड़ गया था? रीजन बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। हमारे भी इसी तरह जनरेटर्स खराब रहते हैं, और एक टीम है पूरी जो कि बेचारी घूमती रहती है यू नो सारे शोरूम्स में और घर, तो वो जनरेटर के सराहने ही बैठे रहते हैं। अब जनरेटर जो है वो आपकी लाइफ का हिस्सा हो गया। बढ़ाएं फिर अगर चीजों की तो फिर लोग कस्टमर रोते हैं, कस्टमर होते हैं तो फिर आपका प्रॉफिट भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता है ही नहीं। अभी ये टाइम ऐसा है कि बगैर प्रॉफिट के काम हो रहा है, क्योंकि बिकॉज कस्टमर तो कहता है कि भाई ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकता, ये इतनी महंगी हम क्यों लें। ऑल्सो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन अब यू नो टेलर के पास जाएं वो कपड़े नहीं सी के देता, कहता है जी लाइट इतनी जाती है, मैं कहां से सी के दूं। 150 रुपए में कमीज सिलती थी, और अब 1500 रुपए में सिर्फ जितने का कपड़ा है उससे ज्यादा की सिलाई होती है। तो ये है कि हर चीज में बिजली की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फिर यू नो आप कहीं भी जाओ, हर एक के पास तो जनरेटर भी नहीं है ना, फिर वहाँ जाके तो आप क़यामत लगता है कि आप दोज़ख में ही आ गए। एग्री बिल्कुल। अच्छा आप लोगों को नहीं लगता कि ये हुकूमत की फॉल्ट नहीं है? ठीक है रिसोर्सेज जो है हुकूमत को देने चाहिए थे, मगर ये हमें खुद अपने लिए कुछ करना चाहिए, हमें कुछ कंपनीज को मिलके अपनी बिजली जनरेट खुद करनी चाहिए, कोई ऐसा प्लांट लगाना चाहिए, 2-4 कंपनीज मिलके, जैसे आपका भी जो बिजनेस है, अगर आप लोग भी 3-4 लोगों को, जैसे लोकल हमारा टैलेंट है मुख्तलिफ ज़राए से जो एनर्जी बना रहा है, हम उन्हें क्यों नहीं थोड़ा सा फंडिंग दे देते कि वो इससे कमर्शियल लेवल पे बनाएं? लेकिन फिज़ा मैंने सुना है कि पावर स्टेशन बहुत सारे लगे हैं और लग के फिर वो बंद हो जाते हैं, ये क्यों है? आंटी नहीं हूँ मैं, बैठ जाइए। ये हमारा भाई है, ये मेरी बड़ी बाजी है, ये छोटी बाजी है। बाजे कैसे, हमें पता चला है कि चैनल वाले सारी औरतों के दुख दर्द बताती हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पर मालूम करने के लिए। हमारी कहानी सुन लीजिए, आपका रोना निकल जाएगा। मैंने कुछ कहा है, मैंने कुछ कहा है, मैंने कुछ हमारा भाई बड़ा लाडला है, इसलिए कुछ मंगवा ही लीजिए। मेरा भाई बहुत मजलूम है। ऐसा ना कीजिए, जमाने ने होटल मेरा सेट टूट जाएगा। जो दुख भरी औरतें जाती है सुबह सुबह मॉर्निंग शो की होस्ट के पास, वो गले लगा मुझे चुप कराइए, मुझे ऐसे मजा नहीं आता। नहीं, मैंने कुछ कहा है, मैंने कुछ कहा है, भाई कुछ
इधर आओ चिट्टे, अपनी दुख भरी दास्तान आपको सुनाएंगे। जल्दी लाओ जल्दी लाओ, आपका ब्रेक जी, बच्चे को कुछ ले आओ, बच्चे को इससे ज्यादा जरूरत है। लो मेरा बेटा, सैम तुम छोड़ दो बस बाजी, क्या हमारी दुख भरी पहले कहानी सुन ली जी, सुनाइए सबको, सुनाइए सब सुनने वाले यहाँ पे, सब सुनेंगे। हाँ, इनकी भी मैं बताऊंगी, इन्होंने भी मेरे साथ बड़ा जुल्म किया है। आपने बड़ा जुल्म किया बाजी, याद है ना जब हम इनकी दुकान के आगे से गुजरे थे, इन्होंने इतना जुल्म किया, इतना जुल्म किया। अरे मैं फिसल जाऊंगी, मैंने घूम के ब्रेक लेनी होती है। आप फिसल जाएंगी तो आपको संभालने वाले तो कितने सारे हैं, हमें तो किसी ने भी नहीं संभाला। बड़ा बड़ा जुल्म हुआ है इनका, मैं जुल्म बता रही थी। इनकी मैं दुकान के आगे से गुजरी, वो जहाँ पे इतने मोटे मोटे हीरे पड़े हुए, आओ देखा ना, आओ देखा ना, ताओ मैं इनकी दुकान के आगे खड़ी हो गई। हालांकि मैं आओ को भी जानती हूँ, ताओ को भी जानती हूँ, लेकिन इसने आओ को भी नहीं देखा, ताओ को भी नहीं देखा। मैं मना करती रही कि आओ के पीछे ताओ है, ये बाज नहीं आई और ये टैक्सी में बैठी, मैं आगे टैक्सी में बैठी क्योंकि ड्राइवर से मेरी अंडरस्टैंडिंग थी थोड़ी सी, तो इसके बाद ये पीछे बैठा। बताने में बाजी क्या हाज है, बताने से जुल्म बताओ ना, जुल्म बताओ। जुल्म वही बता रही हूँ कि जब मैं बैठी हूँ आप हंस रही हूँ, पर जुल्म हमारे जुल्म पे लोग हंसेंगे। आज हम यहाँ पे बैठे तो जुल्म की कहानी सुनाने के लिए। बाजी आधी रात का वक्त था, हम सो रहे थे, दरवाजे की खिड़की खुली, ये आओ देखता है ना ताओ देखता है, आनन फानन कुछ भी कर जाता है। आनन फानन दो भाई हैं, दोनों खिड़की से कूदे। हाँ। रात को अंधेरी रात, फिर क्या हुआ, फिर हम सोए हुए थे, हम सोए हुए और आनन फानन कोई खिड़की से कूदा धड़म करके और हमें पता ही नहीं चला, धड़क करके। हाँ? हाँ। इसके बाद धड़क बड़ा निकलता है बाजी, दुख भरी कहानी सुना, दुख भरी कहानी, दुख किधर है, मैं दुख सुना भरी हरे, मुझे पहले चुप तो करो, मेरे कुछ और काम है, मेरे कुछ और काम है। फिजा जी बस बस बस, फिजा जी बच्चे के लिए कुछ जूस वगैरह मंगवा दो। अरे भाई को जूस मंगवा दो, पीटर जल्दी गरम करके दूध उसमें ला के दो। मैं गरम दूध नहीं, गर्मी है, गर्मी है, गरम दूध नहीं पीता। सैंडविच लाओ जल्दी लाओ, क्या कर रहा है, मेरे सारे मेहमानों का खाना खिला दो। ये खाने के बाद ले 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 ला, मेरा भी दे दे। ए बाजी तूने तो पहले भी सब कुछ खा लिया। ये बताइए उनसे तो कोई शिकायत नहीं ना, हमजा से उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक शिकायत वो तो सीधे साधे हैं, वो तो इन्होंने भी जुल्म किया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो मेरी बाजी के साथ इतना ज्यादा जुल्म किया। बाजी के साथ तुमने किसकी बाजी पे, बाजी की शादी दरवाजे पे बारात खड़ी है, बारात दरवाजे पे खड़ी है और हमजा ने फर्नीचर लेट कर दिया। इन्होंने मुझे कहा मोबाइल पे कि तुम मेरे पास आओ, ये हमारा शोरूम भी नहीं बना रहा, पता नहीं गर्मी की वजह से। ये दुख भरी कहानी इसमें ऐड करेंगे हम। मैं सुना रहा हूँ आपको, इन्होंने आपको मुझे, आपको दुख है आपकी औलाद किस तरह खा रही है, उसका शर्म नहीं। हमारा भाई है ये, हमारा भाई है, छोटा भाई, छोटा भाई, अभी शादीशुदा भी नहीं है बहने। हम कमाते किसके लिए, इसी के लिए तो कमाते हैं। एक वो बाजी सिलाई मशीन हम दिन रात चलाती है, लेकिन ये बिजली ना होने की वजह से वो भी नहीं चल पा रही, सारा सिलसिला। तो हत्ती की ले लेना, हत्ती हाँ। वाली सिलाई मशीन वो देख लेना बाजी, गिफ्ट कर क्या लेते बिजली के पैसे, पैर हिला हिला के वो अब पैर में भी घुटनों में भी दर्द हो जाता है। मैं जब बाहर निकली बाजार में जा रही थी और अरे वो पागल हो गया क्या, पैटिस के साथ खेला का, नहीं नहीं पागल नहीं है, इसी मैं खाने में तो देख लिया, मैंने मैंने देख रही, मैंने देख रही, उन्होंने देखा है, फरीदा जी देख रही थी, मैंने फरीदे मैंने आपको देख लिया, फिजा बाजी ने खाने में तो देख लिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, फरीदा जी ने क्या किया, बाजी तो खुद मजलूम सी है बाजी, मैं तो पहले बड़ी मजलूम हूं, दुख भरी कहानी पहले सुनाने के लिए आप ना मुझे सुनाना खुदा के लिए। अच्छा मेरी मुझे रोना आ रहा है, छोटे भाई के लिए कोई रिश्ता विश्ता देखना है, है आप रिश्ते करवाती नहीं नहीं वो शादी अच्छा आप रिश्ते करवाती हैं, आप मेरा रिश्ता करवाएंगी ना, बाकी तेरा बाल है भाई, पांच रिश्ता टूट गया, लड़की पसंद की जाती है लंबे लंबे बाल, देखते हैं ना खूबसूरत हो, लंबे बाल हो कितनी प्यारी है, ये मेरा भाई जो है ना, मेरी भी शादी कराए, मेरी भी शादी, तेरी शादी अभी नहीं हो सकती फिजा जी, देखे ना वो गला फंस जाएगा, कुछ जूस वगैरह मंगवा दीजिए ना, कोल्ड ड्रिंक मंगवा दीजिए, शाबाश ये बाल्टी लेकर आओ, ये बाल्टी लेकर आओ, लेकिन उसमें जरा नमक डाल दीजिएगा, हाँ जरा
ना इसको गैस जो है ना मसला हो, उसकी भी गैस निकल जाएगी, कोई मसला नहीं। बाजी आपकी शादी होनी है या आपने मेरी करवानी है? लो मेरी करवा देंगे ना बाजी, देख ले, लेकिन अब बिजली वाली कोई चीजें ना दीजिएगा मुझे। पानी पिए और बाजी मेरी दुख बड़ी पहले बहुत बड़ी बड़ी कहानी है। मेरी बात सुने आप लोग, अपने जो है ना दुख किसी और के साथ शेयर करें, मेरे साथ मत करें बाजी। ये नकली लगवास्ता है। हाँ हाँ बाजी, मॉर्निंग शो में तो गले लगा लगा के चुप कराती है। बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। चुप करा के आंसू बहा के साथ साथ बड़ों को भी बताती है कि देखो इनके साथ ये जुल्म है, हमारी बात कहीं ऊपर तक बाजी की वजीफा वगैरह लगवा दे मेरी बाजी, कहीं ऊपर तक सिलसिला कर। आप बाजी अपने चिल्ले बिल्ले काटे, चिल्ले काटे और चिल्ले और क्या काट के आए? नहीं बाजी, बाजी काट के बाजी तो चिल्ले काट करके शक्ल ही बाजी की चिल्ले जैसी हो गई है। देखिए हमारी हमारी कई शक्लें नजर तो नहीं आ रही है, जरा सा वो डिफ्यूज सा कर दीजिएगा। डिफ्यूज क्योंकि पिछले दिनों में एक चैनल पे ये गई थी, इतनी मशहूर हो गई मोहल्ले में, जहाँ से गुजरती थी लोग कहते थे वो मजलूम जा रही है, तो हम इसीलिए कहीं नजर नहीं आना चाहते। और बाजी कोई खराब भी मुझे नहीं देता। अरे बिजली पे क्या तंगी है ये बता दें चले, क्या चीज टॉपिक बिजली पे चल रहा है, मेरी दास्तान आप कैसे नहीं सुनते? नहीं मैं जब गुस्से में आती हूँ मेरी मूछें निकल आती है, क्या हो गया? इनको निकालो, इनको लेके जाओ भाई, इनको नहीं इनको लेके जाओ। छिलके पे गिर के मरना था तुमने जिस तरह फेंका है, सारी आज मेरी कॉन्टिन्यूटी की ब्रेक्स रह जाएंगी। सोचो कितना घूमना था मैंने इधर, हद होती है आ जाते हैं मुंह उठाए। आजकल तो चोरियां भी इसी तरह से डकैतियां भी शुरू हो गई लोगों के घर में घुस घुस के। बिल्कुल, ये क्या आपने हमारे लिए चोर बंदोबस्त किया? हाँ, देखिए नहीं कहते इतने तेज है, कहते हैं घर में तो बिजली थी, स्टूडियो में नहीं थी। उनको तो मुझे मेरा याद भी था, वो मुझे कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया, मुझे तो डर लग रहा है बाहर कैसे। जल्दी से और आज 10:30 बजे आपको बता दिया तकरीबन हो गए, कॉल्स कीजिए, गिफ्ट लीजिए, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। Gift, gift, gift. Call. Take a break.